So, well, buddies, good afternoon. After a long time, I am here to tell you some prepositions. Yesterday, I posted on YouTube that today I am going to make a video for you about prepositions. Guys, आज मैं आप लोग के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है prepositions. अक्सर क्या होता है, हम लोग बहुत से जगहों में यूज़ करते हैं और कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग जानने पहचानने के बावजूद भी उसको यूज़ नहीं कर पाते. उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से. इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और शेयर करिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें. चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. हमारी वीडियो का जो सबसे पहला वर्ड है वो है एट. एट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जब भी बात आती एज की या फिर कीमत, दर, चाल, इस प्रकार से जब हम यूज़ करना होता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं. या फिर कभी कभी प्लेस के लिए भी आता है. जैसा मैंने कहा सर मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ, आप बोले आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन, वहाँ पर इन नहीं आएगा, एट आएगा. अभी मैं आपको सब चीज़ के यूजेज बताता हूँ. दूसरा यूज़ जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कीमत दर के लिए आता है. कीमत दर का मतलब क्या होता है, कीमत मैंने अभी आपको बताया था कीमत दर के लिए होता है. जैसे कीमत मुझे बताना हो कि दूध जो है 22 रुपए लीटर मिलता है तो आप कैसा बोलेंगे, आप बोलेंगे मिल्क सेल्स एट 22 अ लीटर या पर केजी या पर लीटर. मतलब ये हुआ कि दूध जो है 22 रुपए लीटर मिलता है, 22 रुपए का एक किलो मिलता है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं. इसी तरीके से जब हमको यहाँ पे बताना होता है एज के बारे में बताना होता है तो आप क्या बोलेंगे. अगर आपको बोलना हो सर मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो 50 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया तो आप बोलेंगे माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 50. मगर मेरे ग्रैंडफादर का देहांत 50 साल की उम्र में हो गया था. ऐसे कई यूजेस हैं गाइज, आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं. इसी तरीके से गाइज अब हम चलते हैं अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ. और हमारा जो अगला प्रीपोजिशन है वो है इन, और एक है इन टू. दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, दोनों का मतलब होता है में. लेकिन इन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ पर स्थिर रखी हुई होती है, लेकिन इन टू में जो वॉकिंग डिस्टेंस हो रही होती है. जैसा मैंने कहा सर कि इनका कप में या फिर ग्लास में, मैंने कहा सर ऑफिस में मोबाइल रखा हुआ था, आप बोलेंगे द सेल फोन इज इन द ऑफिस. ठीक, मैंने कहा ड्रावर में पैसा रखा हुआ था, मनी इज केप्ट इन द ड्रावर. तो आप इस प्रकार से इनका यूज़ कर सकते हैं. बड़ी जगह के लिए भी यूज़ होता है, जगहों के लिए भी यूज़ हो जाता है कभी कभी इनका. जैसा मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली. मैं मऊ में रहता हूँ, आई लिव इन मऊ. मैं आगरा में रहता हूँ, आई लिव इन आगरा. आई लिव इन MP. इस प्रकार से भी यूज़ होता है. कभी कभी इनका यूज़ छोटी जगहों के लिए भी होता है. मैंने कहा सेल फोन मेरे पॉकेट में, द सेल फोन इज इन माई पॉकेट. तो छोटी जगह बड़ी जगह के लिए यूज़ होता है, लेकिन सेंस में आता है तब. इसी तरीके से इनटू का यूज़ कहाँ होता है, टू का यूज़ वहाँ होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से वॉकिंग डिस्टेंस कर रही होती है. जैसा मेरे हाथ में एक कप और दूसरे हाथ में टी पॉट. अगर आपको बोलना सर मैं टी जो है कप में उंडेल रहा हूँ तो आप कैसे बोलना, आई एम पोरिंग टी इन टू कप. मतलब इसमें वॉकिंग डिस्टेंस हो रही है. इसी तरीके से मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन कुछ देर के बाद मैं रूम में जाने लगा, आपको बोलना हो सर कि मैं रूम में जा रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग इन टू द रूम. तो कहने का मतलब ये है कि इनटू का यूज़ भी मे के लिए होता है लेकिन उसमें वॉकिंग डिस्टेंस हो रही होती है. आगे चलते हैं. आगा होता है अमंग और दूसरा होता है बिटवीन. अमंग और बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब सेम ही होता है लेकिन यूजेस अलग. अमंग का यूज़ वहाँ करते हैं हम जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन बिटवीन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे दो लोग होते हैं. जैसे मैं कैसे इन स्वीट्स को दो स्टूडेंट्स में बांट दीजिए तो आप कैसे बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन टू स्टूडेंट्स. अगर मुझे बोलना इसी स्वीट्स को पांच स्टूडेंट्स में बांट दीजिए तो आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द फाइव स्टूडेंट्स. डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द फाइव स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि इस स्वीट्स को पांच स्टूडेंट बांट दीजिए, इस स्वीट्स को दो स्टूडेंट्स बांट दीजिए. मतलब सेम है, यूजेस अलग अलग हैं. अब हम अपने अगले प्रीपोजिशंस की तरफ. और हमारे जो अगले प्रीपोजिशंस हैं वो हैं आफ्टर और दूसरा है बिहाइंड. आफ्टर और बिहाइंड का सबसे पहले हम आफ्टर का समझते हैं. आफ्टर का दो मतलब होते हैं, एक होता है के बाद और एक होता है के पीछे. जैसा मैंने कहा सर कि आपके पीछे आपका भाई खड़ा है तो आप बोलेंगे योर ब्रदर इज स्टैंडिंग आफ्टर यू. मैंने कहा सर कि आपके पापा आपके पीछे आ रहे हैं तो आप फादर इज कमिंग आफ्टर यू. आर यू गेटिंग और नॉट, योर फादर इज कमिंग आफ्टर यू. गाइस इस प्रकार से हमारी यूजेस हैं. एक और आफ्टर का यूज़ होता है और उसका मतलब होता है के बाद. जैसा मैं लंच के बाद, आफ्टर लंच आई विल वॉच मूवी. मैंने कहा सर लंच के बाद मैं निकल जाऊँगा, आफ्टर लंच आई विल लीव फ्रॉम होम, आई विल लीव फ्रॉम हेयर. इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों की एक ही. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम आफ्टर का. जैसा मैंने कहा सर कि मैं स्टूडेंट्स के पीछे खड़ा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग आफ्टर स्टूडेंट्स. इसी तरीके से अगर आपको बोलना है सर छोटू आपके पीछे जा रहा है तो आप बोलेंगे छोटू इज गोइंग आफ्टर यू.
मतलब ये हुआ कि छोटू भी लिविंग है और आप भी लिविंग है, तो जब मतलब जब दोनों चीज़ें जो हैं लिविंग होती हैं और हमें बोलना होता है पीछे, तो हम वहाँ पे ऑफ्टर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से अभी मैंने आपको ऑफ्टर का एक और यूज़ बताया, उसका मतलब होता है के बाद। मैंने कहा सर कि वीडियो बनाने के बाद मार्केट जाऊँगा, आई विल गो टू, मैंने कहा सर मैं वीडियो बनाने के बाद मार्केट जाऊँगा, तो आप बोले आई विल गो टू मार्केट आफ्टर मेकिंग वीडियो। या फिर मैंने कहा सर कि वीडियो बनाने के बाद जो है मैं सो जाऊँगा, आप बोले आई विल स्लीप आफ्टर मेकिंग दिस, या आफ्टर मेकिंग वीडियो मतलब वीडियो बनाने के बाद मैं सो जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक का मतलब होता है पीछे, एक का मतलब होता है के बाद। आगे बढ़ते हैं हमारा, इसी प्रकार से मैंने एक और वर्ड बताया था, वो था आपका बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इसका मतलब भी होता है पीछे, लेकिन दोनों चीज़ें इसमें नॉन लिविंग होनी चाहिए। जैसा मान लीजिए ये मेरा घर है और ये हॉस्पिटल है, ठीक, तो हॉस्पिटल के पीछे मेरा घर है, पीछे आ रहा है, दोनों चीज़ें नॉन लिविंग हैं। जैसा मैंने कहा सर कि मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे, तो आप बोलेंगे माई हाउस इज़ बिहाइंड हॉस्पिटल। जब मैंने कहा पुलिस स्टेशन के पीछे मेरा स्कूल है, तो आप बोलेंगे माई स्कूल इज़ बिहाइंड पुलिस स्टेशन, ठीक। इसी प्रकार से मैंने कहा मॉल के पीछे जो है हॉस्पिटल है, आप बोलेंगे हॉस्पिटल इज़ बिहाइंड द मॉल। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और दोनों चीज़ें उसमें नॉन लिविंग होनी चाहिए। और अगला गाइस, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रीपोजिशंस की तरफ, और हमारे जो अगले में सेम है लेकिन बस एक जो है लेटर का उसमें डिफरेंस है। जैसा एक होता है आपने देखा होगा बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स मतलब भी अलग हैं, सेंस भी अलग है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, बगल में। जैसा मैंने कहा सर मैं गया उसके बाजू में बैठ गया, या उसके बगल में बैठ गया, तो आप बोलेंगे आई वेंट एंड सेट बिसाइड हिम। सर कि मैं छोटू के बगल में बैठ गया, तो आप बोलेंगे आई सैट बिसाइड छोटू। सर एक और वर्ड है हमारा, वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। मैंने कहा सर इंग्लिश के अलावा हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बिसाइड्स इंग्लिश, ठीक। इसी तरीके से मैंने कहा सर कि हर कोई इंग्लिश बोलता है मेरे अलावा, एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश बिसाइड्स मी। मैंने कहा हर कोई जो है इंग्लिश जानता है मेरे अलावा, एवरीबडी नोज अबाउट इंग्लिश बिसाइड्स मी। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट इजी। प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और अक्सर मोस्टली ये सब बिसाइड, बिसाइड्स, आफ्टर, बिहाइंड, हाँ, इन, इनटू, ये सब ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं और आसान भी समझने में भी। और अब चलते हैं, अब हमारे जो अगले प्रीपोजिशंस हैं वो ये हैं। दो हैं हमारे प्रीपोजिशंस, एक है हमारा विथ और एक है बाई। दोनों का मतलब लगभग सेम होता है लेकिन यूजेज अलग अलग हैं। देखिए जब भी कोई कार्य, कोई काम किसी इंसान के द्वारा किया जाता है तो हम वहाँ पे बाई लगाते हैं, ठीक। लेकिन जब कोई काम किसी यंत्र, किसी चीज़ के द्वारा किया जाता है तो हम वहाँ पे लगाते हैं विथ। जैसा एग्जांपल मैंने कहा सर कि ताजमहल जो है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया, तो आप इसको कैसा बोलेंगे, आप बोलेंगे द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ। इसी तरीके से मैंने कहा आप किसी इंसान के द्वारा जब बनाया जाता है तो हम वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं, लेकिन विथ का यूज़ जब किसी यंत्र, किसी चीज़ के द्वारा किया जाता है। जैसा मैंने कहा सर कि उसको जो है लकड़ी से पीटा गया है, ही वॉज बीटन विथ स्टिक। ही वॉज बीटन विथ स्टिक मतलब लकड़ी से पीटा गया, इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी के द्वारा से पीटा गया। सेंस लगभग मतलब एक ही है लेकिन उसके यूजेज अलग अलग हैं। लेकिन कभी होता है कि बाई को जो है उसको लिविंग थिंग मान करके इसका यूज़ और दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए किया जा सकता है। जैसा एक होता है आग, दूसरी होती है बिजली, दोनों चीज़ों को लिविंग माना गया है। इसीलिए जैसा आग, अगर बोलना सर कि वो जो है बिजली से मर गया, तो आप ही वॉज डाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी। या फिर अगर आपको बोलना हो सर कि उसका घर जो है आग से बर्बाद हो गया, तो आप बोलेंगे हिज हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई, हिज हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। मतलब ये हुआ कि उसका घर जो है आग से डिस्ट्रॉय हो गया, आग से बर्बाद हुआ। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको लिविंग थिंग मान करके बाई का भी यूज़ किया जा सकता है उसमें। और अब चलते हैं हम अपने अगले प्रीपोजिशंस की तरफ, और हमारे जो अगले प्रीपोजिशंस होंगे वो हैं, एक है आफ्टर, सॉरी एक है हमारा बिफोर, एक है इन फ्रंट ऑफ। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का मतलब होता है सामने, लेकिन बिफोर के दो मतलब होते हैं, इन फ्रंट ऑफ का एक ही मतलब होता है। बिफोर का मतलब होता है सर एक तो होता है समय के लिए, जैसे कि समय से पहले, 5 बजे से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया, आई रीच्ड स्टेशन बिफोर 5 o'clock, ठीक, आप इस तरफ बोल सकते हैं। या फिर एक और बिफोर का यूज़ होता है जैसा सामने, बिफोर का मतलब होता है सामने, जैसा मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं। हम दोनों लोग जो हैं लिविंग थिंग हैं, मतलब जीवित लोग हैं, मतलब जब दोनों चीज़ें जीवित होती हैं, लिविंग थिंग होती हैं, तो हम वहाँ पे जो है
बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने कहा सर कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बिफोर यू। आप इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है, इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। बिफोर के दो मतलब होते हैं, एक होता है पहले और एक होता है सामने, लेकिन दोनों चीज़ का लिविंग होना मतलब जीवित होना ज़रूरी है, मतलब इधर भी जीवित हो इधर भी जीवित हो। मैंने कहा सर कि मैं उन लोगों के सामने डांस कर रहा था, आई वॉज डांसिंग बिफोर देम, ठीक। या फिर मैंने कहा सर कि मैं अपने पापा के सामने पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग बिफोर मी फादर, मतलब उनके सामने पढ़ रहा था, वो भी लिविंग थिंग है, मतलब जीवित है, मैं भी जीवित हूँ। अब जीवित समझ रहे हैं ना, जीवित किसको बोलते हैं, लिविंग थिंग को। तो हम वहाँ पे बिफोर का यूज़ करते हैं। ओवरऑल अब हम चलते हैं अपने अगले प्रीपोजिशंस की तरफ, और वो है हमारा इनफ्रंट ऑफ। इनफ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसा मैंने कहा सर कि मेरा घर आपके घर के सामने है, तो माई हाउस इज़ इनफ्रंट ऑफ योर हाउस, ठीक। मैंने कहा सर हॉस्पिटल, मैंने कहा सर कि मेरी ऑफिस जो है हॉस्पिटल के सामने है, आप बोलेंगे माई ऑफिस इज़ इनफ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। या फिर मैंने कहा सर कि हॉस्पिटल के सामने जो है मेरी शॉप है, माई शॉप इज़ इनफ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। अगर आपको इसी प्रकार से बोलना हो सर कि या फिर आपको बोलना हो सर कि कंपनी के सामने जो है मेरा फ्लैट है, तो आप बोलो माई फ्लैट इज़ इन फ्रंट ऑफ कंपनी। आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई रंज नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। कंप्लेन है तो कंप्लेन करिए, और नहीं है तो कुछ मत करिए, पढ़िए लिखिए। और इसके साथ साथ जो हम अपने अगले प्रीपोजिशंस की तरफ, और आज के हमारे एक दो प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसा एक होता है अनटिल और एक होता है अनलेस। इसके दो दो प्रकार से यूजेस आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला यूज़ हमारा जो अनटिल और अनलेस का, वो ही एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अनटिल और अनलेस को, जब एक वाक्य में दोनों तरफ निगेटिव सेंस हों। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है, समझ में आया। इसको दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा सर जब तक कि वो स्कूल नहीं जाएगा तब तक कि वो पढ़ेगा नहीं, जब तक ये एग्जांपल देखिए, अनटिल एंड अनलेस ही गोज़ टू स्कूल ही विल नॉट स्टडी, मतलब जब तक कि वो स्कूल नहीं जाएगा तब तक पढ़ेगा नहीं। मैंने कहा जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आप अनटिल एंड अनलेस यू सब्सक्राइब द चैनल यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन, मतलब ये हुआ कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से मैंने कहा था जब तक के पढ़ोगे नहीं तब तक के पास नहीं होगे, तो आप अनटिल और तो आप बोल सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। ये थे हमारे अनटिल और अनलेस का यूज़। हमारा जो दूसरा यूज़ है अनटिल और अनलेस का, वो ये है, जो अनटिल होता है वो टाइम को इंडिकेट करता है, और जो अनलेस होता है वो कंडीशन को जो है इंडिकेट करती है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा सर कि जब तक मैं ना आऊँ तो मेरा इंतज़ार करो, तो आप बोलेंगे अनटिल आई कम बैक यू वेट फॉर मी, मतलब जब तक के मैं ना आऊँ तब तक के तुम्हें इंतज़ार करना। तो ये जो है आपकी टाइम कंडीशंस बता रही हैं, मतलब जो अनटिल का यूज़ है यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कंडीशंस होती है सिर्फ, यहाँ पे जो है हम टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनलेस का जब हम यूज़ करते हैं तो अनलेस में कंडीशंस को इंडिकेट किया जाता है। मैंने कहा अनलेस का यूज़ इससे थोड़ा सा अपोजिट है, जैसा मैं वहाँ पे कंडीशन पर फोकस किया जाता है। मैंने जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं होगे, हाँ ये कंडीशन है, पढ़ना कंडीशन है तो वो पास आपका रिजल्ट बनकर मिलता है आपको। मैं आप इसको किस तरह बोले, आप बोलेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, मतलब ये जब तक कि बेटा मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगी। यहाँ पे आपको जो कंडीशंस पर फोकस किया गया है, इसका मतलब ये है कि अनटिल और अनलेस को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और अनटिल और अनलेस को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग यूज़ करेंगे तो अनटिल का मतलब ये होता है कि आप जो है सेंटेंस पर जो है आपका जो सेंटेंस वो टाइम पर फोकस होना चाहिए, लेकिन अनलेस में जो है कंडीशन पर फोकस होना चाहिए। लेकिन एक सेंटेंस में दोनों साइड जो है निगेटिव चीज़ है, अब वहाँ पे अनटिल और अनलेस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा सर जब तक कि वो पढ़ेगा नहीं तब तक कि वो पास नहीं होगा, है ना, जब तक कि वो पढ़ेगा नहीं तब तक पास नहीं होगा। अब देखिए दोनों जो क्लॉज हैं आपके, अब देखिए ये दोनों तरफ जो है यहाँ पे भी निगेटिव है यहाँ पे भी निगेटिव, इसका मतलब ये होगा इस सेंटेंस पर फोर्स किया जा रहा है, इस सेंटेंस पर दबाव बनाया जा रहा है। आप बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम कोई समय आपके लिए बनाता रहूँगा, इस प्रकार से मैं आपके लाइव क्लासेस भी चलाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे सपोर्ट करिए, सपोर्ट करने के साथ साथ बहुत सी चीज़ जिसके बाद मैं आपके लिए पूरी लाइव क्लास लेकर आऊँगा और आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके चलिए फिर मुलाकात होती है किसी दूसरी वीडियो के साथ, बाय, चाओ, नाइस मीटिंग यू।